नमस्कार दोस्तों, ग्रीन ग्रेविटी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिन भी लोगों को डाउट होता है कि अगर हमारी यूनिट के ऊपर कोई शेड नहीं है या पूरी ओपन में है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यूनिट का क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी यूनिट पिछले 3 सालों से ओपन में, हम पूरे ओपन में ही वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं। तो हमारे एरिया में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हाई अलर्ट पे है हमारा पूरा एरिया, और इतनी ज़्यादा बारिश है कि नदियाँ उफान पर है, गाँव में भी पानी घुस चुका है, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ में है। तो इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद वर्मी कंपोस्ट का क्या होता है, खेतों में भी कई लोगों के पानी घुस चुका है, फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। तो इतनी ज़्यादा बारिश होने के कारण केचुए पर या वर्मी कंपोस्ट के बेड पर आपकी वर्मी कंपोस्ट साइट का क्या होता है, तो हमने ये बेड्स बारिश होने के 2 दिन पहले ही लगाए थे जिसमें केचुआ नहीं डाला था। तो गोबर की क्वालिटी होती है दोस्तों कि वो जितना पानी उसे स्टोर करना है वो कर लेता है, और अगर आपका पानी की निकासी है तो सारा पानी बेड में से निकल जाएगा, गोबर में कीचड़ कभी नहीं होगा। तो गोबर की क्वालिटी भी अच्छी है, गोबर में थोड़ा सूखापन भी है और केचुआ ऑटोमेटिकली इनमें आ गया है। तो इतने ओपन में यूनिट होने के बाद भी और बारिश कंटिन्यू लग रही है, तो बस ध्यान ये रखिएगा कि आपके बेड सारे कवर होने चाहिए और उसमें पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए। अगर पानी रुक गया तो आपका केचुआ और आपके बेड रिस्क में आ जाएंगे। तो हमने इस बेड में 2 दिन पहले ही केचुए डाले थे, बारिश होने के 2 दिन पहले। तो आज देखते हैं कि केचुआ किस हालत में है। तो केचुआ काफ़ी अच्छी हालत में है और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो केचुए की हेल्थ पहले से भी ज़्यादा अच्छी है, केचुआ मोटा होना चाहिए आपका। तो देखिए, बेड में पहली बात तो बिल्कुल भी कीचड़ नहीं है, तो बिल्कुल पानी रुकना नहीं चाहिए आपके बेड्स में, तभी केचुआ आपका अच्छी हेल्थ में रहेगा। पानी की निकासी प्रॉपर कीजिएगा, चाहे जितनी बारिश हो जाए कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस ध्यान ये रखिएगा कि केचुए के लिए गोबर खाने योग्य होना चाहिए या खाद नहीं बना होना चाहिए उसमें। आप कोशिश ये कीजिएगा कि बारिश के पहले आपके सारे बेड्स रेडी हो जाने चाहिए। अगर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो भी आपके बेड को कोई नुकसान नहीं होगा, केचुए को भी नुकसान नहीं होगा। अगर बेड में पानी घुसा तो केचुआ या तो बाहर निकल जाएगा या केचुए पर रिस्क बढ़ जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा बारिश होने से भी कोई नुकसान नहीं है। बस आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए और आपके सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस आपने पहले से लिए होने चाहिए, तो केचुए को कोई नुकसान नहीं होगा, केचुआ ताज़ा मोटा हमेशा रहेगा। तो देखिए, काफ़ी अच्छा है और केचुए की हेल्थ भी अच्छी है, केचुए की क्वांटिटी भी अच्छी है। सारा केचुआ पूरे बेड में अच्छी तरीके से फैल चुका है, 2 दिन हुए इस बेड में केचुआ डाले। तो इसी तरीके वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करती रहिए और YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड पहुँचती रहे। धन्यवाद।